अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान अली खान और आप देख रहे हैं फूड गार्डन। आज एक आलू का पराठे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पराठा है। आप जो नॉर्मल रूटीन में स्टफ पराठा बनाते हैं आलू का, उस तरह के नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसके लिए तकरीबन 60 से 70 ग्राम आलू, ये इनको उबाल के अच्छी तरह से मैश कर लिए आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसमें 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम गंदम का आटा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक कसते ज़रूरत, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कर लीजिए, 1 टीस्पून हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे, दूध साथ में शामिल कर लेंगे। दूध जो है वो इसके कलर को मेंटेन रखेगा, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आगे अगर मज़ीद दूध की हमें ज़रूरत हुई तो हम मज़ीद दूध इसमें शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जिस तरह नॉर्मल आटा भूनते हैं, अच्छी तरह सख्त आटा होना चाहिए। अगर नरम होगा, इसकी डो नरम होगी, तो ये जो है वो आपका बेलने में जो है वो रोल करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बस आटा हमारा तैयार है, तो दूध तकरीबन इसमें 50 ml के करीब डला गया, थोड़ा सा बच गया। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको इस तरह से बेल गाट, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम चीज़ तैयार कर लेते हैं। मोज़रेला चीज़ लिया है जी मैंने। एक पराठा हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ प्याज, तकरीबन 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन, 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसमें ओरेगानो ऐड करेंगे इटालियन हर्ब, और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग के लिए एक चीज़ पराठा बनाएंगे और एक बिल्कुल सिंपल सा। ये जी हमारा चीज़ भी रेडी हो गया। ये जी पेड़ा थोड़ा बड़ा लेना है आटे का, तो पराठा जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि छोटा बनाने से ये थोड़ी सी जो है मोटी रोटी रखनी है। इसको अच्छे से बेल लेंगे। दूसरा जो है वो चीज़ स्टफ वाला बनाएंगे। तवे को गरम करके एक बार आंच मीडियम कर देंगे, मीडियम आंच पे हम पकाएंगे पराठा। और ये जी गया हमारा पहला पराठा सिंपल। अब इसको इस साइड जो है वो चेंज करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। आप देसी घी या डालडा वगैरह जो भी है ये भी लगा सकते हैं, और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो इसी तरह से दोनों साइडों को फौरन से चेंज करते जाएंगे, जब तक अच्छा कलर आता है, सही ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये दूध और मैदे का कमाल है, जो इसका कलर ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आप मैदा शामिल नहीं करोगे तो आपका जो कलर है वो ज़बरदस्त वगैरह नहीं आएगा। और ये जी हमारा पहला पराठा तैयार है, देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छा पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। पहला पराठा हमारा रेडी, अभी हम चीज़ स्टफ पराठा बनाएंगे। चीज़ स्टफ पराठे के लिए थोड़ा सा पेड़ा बड़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ भरना था, वो बिल्कुल सिंपल था, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें चीज़ भरना है।
थोड़ा सा हम गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे, फिर इसके अंदर चीज रखते हैं ऐसे। ये जो चीज तैयार किया था ये भरेंगे, ये इसके अंदर काफी सारा, और थोड़े से इसके ऊपर ये फाइन चॉप किए हुए ब्लैक ऑलिव्स, इसको बंद करेंगे इस तरह से, और इसको जो है वो नरम हाथों से हम बेलेंगे। चीज़ पराठे को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, अगर बड़ा करेंगे तो इसका चीज़ बाहर आ जाएगा, ये इस तरह से। उसी तरह से इसको भी पका लेते हैं, और ये देखिए हमारा चीज़ पराठा भी कितनी मज़े की लुक आ रही है। इसको उसी तरह से दोनों साइड से पकाते जाएंगे जब तक के फुल डन हो जाता है, तब तक हम इसको पकाएंगे। आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है, ये आपने ख्याल रखना है, अगर तेज़ आँच पे आप इसको पकाएंगे तो आपके पराठे जल जाएंगे। हमारा चीज़ पराठा भी रेडी हो गया, इसको निकाल देते हैं। ये ज़बरदस्त सा, ये देखिए जी हमारे जो चीज़ पराठे हैं। तो लीजिए जी, बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म है हमारे यूनिक स्टाइल में आलू के पराठे, चीज़ पराठा, चीज़ स्टफ पराठा और आलू का सिंपल पराठा रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि अगली हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दबा दो यार।